योगी के धर्मराज की वो तस्वीर देखिए जो सुल्तानपुर से आई है। सुल्तानपुर से 20 किलोमीटर दूर कूड़ेभार बाजार में लगे साइन बोर्ड पर चढ़कर इस्लामिक झंडा उतारा जा रहा है। इस्लामिक झंडा उतारने वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि झंडा उतारने वाले हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो सोशल साइट पर अपलोड किया जा गया है जो अब वायरल हो रहा है, इसलिए आज तक इस वीडियो की भी पुष्टि नहीं करता है। आप देख सकते हैं कैसे ये कार्यकर्ता इस्लामिक झंडा हटा रहे हैं। सुल्तानपुर में हटाए गए इस्लामिक झंडे और पोस्टर, खबर ऐसी है, ऐसी खबर है कि हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने हटाए, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। शिव पूजन शाह हमारे साथ हैं। शिव, पूरी खबर बताएं। देखिए, लोगों का आरोप है कि ये हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं जिन्होंने कि ऐसा काम किया है, लेकिन प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी है, प्रशासन चाकचौबंद है। कुछ आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन गौरतलब है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का यहां पर पदभार लिया, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जो खुद बहुत बड़े हार्डलाइनर माने जाते थे, उनके स्टैंड में बहुत ज्यादा जो है तब्दीली आई। वो सबका साथ सबका विकास हर वक्त कहते आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरीके से मेरठ में भी जो है वंदे मातरम के गान को लेकर के बवाल मचा, तो इस तरीके के कई बवाल निशांत जगह जगह से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सख्त पूछने का मन कर रहा है, और वो ये सवाल ये है कि जैसे ही जीत हुई थी बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री ने बीजेपी दफ्तर में कहा था कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन मुंह के लालों का जो चुप रहे। यहां पर जो तस्वीर देख रहे हैं हम, और जो अभी तक मेयर वगैरह की बात आ रही है, वहां पे कहीं वो मुंह के लाल तो नहीं है?